क्यों सिर्फ वॉक करने से शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं आते और कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्स नहीं होती? एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस क्या हैं, इन्हें कैसे किया जाता है? और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, बॉडी में कैसे बनता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर जयंत शर्मा, फादर ऑफ एन अमेजिंग एंजल, ए फाइटर पायलट एस्पिरेंट टर्न्ड होम्योपैथिक फिजिशियन, ए साइकोथेरेपी कंसल्टेंट, फिटनेस एंथुजियास्ट एंड अल्ट्रा मैराथनर एंड ए लाइफस्टाइल इंप्लीमेंटर। सभी डॉक्टर्स हमें बोलते रहते हैं कि वॉक करो वॉक करो, वॉक करने से बहुत से फायदे हैं, शुगर कम हो जाएगी। बट सिर्फ वॉक करने से ना किसी की शुगर की दवाइयाँ बंद हुई हैं, ना शुगर के लेवल्स कम आते हैं। तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेज आपके रिजाइम में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ एजेंट है जो हमारी ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग यानी कि आर्टरीज की एंडोथेलियम में प्रोड्यूस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड में रिलीज होने के अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इससे आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो आपको बीपी नहीं होता। इससे प्लेटलेट एग्रीगेट या क्लॉट फॉर्मेशन में प्रिवेंशन होती है, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां नहीं आती। इससे आपकी वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, जैसे पैंक्रियाज में ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और शुगर कम होती है। लिवर में ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने से फैटी लिवर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम प्रोड्यूस होता है और डाइजेशन इम्प्रूव होता है। मसल्स में ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने से आपको जल्दी थकान नहीं होती, आपका स्टेमिना इम्प्रूव होता है। ब्रेन में और नर्वस सिस्टम में ब्लड फ्लो ज़्यादा जाने से आप न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज जैसे अल्जाइमर डिजीज़ और डिमेंशिया से बचते हैं। आपके ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने से आपका इम्यून सिस्टम अपरेगुलेट होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, किडनी फंक्शन इम्प्रूव होता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर और अदर किडनी डिजीज से बचाव मिलता है। एंडोक्राइन सिस्टम इम्प्रूव होने से आप ग्लैंड्स की बीमारियों से जैसे थायराइड से बचाव मिलता है। और रेस्पिरेटरी फंक्शन इम्प्रूव होने से आपकी ब्रोंको डायलेशन होती है, जिससे आप अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों से बचते हैं। आपकी आईज और रेटिना के लिए भी ये अच्छा है और इसके अलावा आपके पूरी बॉडी में अनगिनत अनेक फायदे इसके हैं। अब सवाल ये उठता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑप्टिमम रिलीज और प्रोडक्शन बॉडी में कैसे की जाए। कुछ डाइटरी चेंजेस जैसे लेग्यूमिनस फूड जैसे सोयाबीन, राजमा, दालें, चना, ये खाने से नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होता है। इसके अलावा बेरीज जैसे आंवला, शहतूत, जामुन, स्ट्रॉबेरी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये खाने से बहुत मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियम में प्रोड्यूस होता है। अपने डाइट में चेंजेस करके आपने अपनी एंडोथेलियम में नाइट्रिक ऑक्साइड तो प्रोड्यूस कर लिया, बट इसको ब्लड में रिलीज करने के लिए आपको एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी पड़ेगी। इनके बिना ये ब्लड में रिलीज नहीं होगा और आप नाइट्रिक ऑक्साइड के इन सब बेनिफिट से वंचित रह जाएंगे। आज हम आपको कुछ सिंपल एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस सिखाएंगे जो सभी एज ग्रुप के लिए सूटेबल है और बड़े आराम से घर में की जा सकती है। सबसे पहले है आर्म रेस। आर्म साइड रेस, ये सेकेंड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज है सिंपल स्क्वैट। अगर आप अभी बिगनर हैं और पूरा स्क्वैट नहीं कर पा रहे तो आप हाफ स्क्वैट कीजिए। वैसे फुल रेंज ऑफ मोशन से पूरा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा लंजेस, और लास्ट एक्सरसाइज है फ्रंट बेंड। इन सभी एक्सरसाइज में आप ध्यान देंगे तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर आ रहा हूँ, इसीलिए इनका नाम एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। ये लास्ट एक्सरसाइज जिनको सर्वाइकल या वर्टिगो की प्रॉब्लम है वो ना करें, वो इसकी जगह ये सिंपल लेग रेस कर लें। इन सभी एक्सरसाइज के कम 10-15 रैप आप जरूर कीजिए और 3-4 बारी रिपीट कीजिए। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जब ये एक्सरसाइजेज आपको आसान लगने लगे तो आप डंबल्स या वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। थोड़े डंबल्स ऐड करके, कुछ और एक्सरसाइजेज ऐड करके आप नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक डेडलिफ्ट, स्क्वैट्स, ओवरहेड प्रेस डंबल फ्रंट रेस,
ये ध्यान रहे कि आप डंबल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चुनें। इन सब एक्सरसाइजेस के अलावा सीढ़ियाँ चढ़ना और साइकिलिंग बहुत अच्छी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, तो आप एक दिन में कम से कम 3 से 4 फ्लोर सीढ़ियाँ जरूर चढ़िए और उतरिए। इससे आप नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बड़े आराम से अपने ब्लड में रिलीज करके बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब छोटी बड़ी गलतियों को आपको अवगत कराने के लिए और उन्हें करेक्ट करने के लिए हम वीकेंड पे प्रोत्साहन वेबिनार करते हैं, और आपको आपकी लाइफस्टाइल डिजीज से दूर करने के लिए प्रीमियम लाइफस्टाइल इंप्लीमेंटरशिप प्रोग्राम डिजाइन किए हैं जिनका नाम है प्रोत्साहन प्रोग्राम। कम जॉइन अस टू गेट ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस, फ्रीडम फ्रॉम मेडिसिन। धन्यवाद।